ठीक है ना, मम्मी इसका फोन करेंगे बाबू कल है। लिखती उखती है नहीं कुछ, खाली ऊपर देखते रहती है, दीवार बैठ जाती है। देखो हम लोग का क्या, लिख हम लोग का क्या पढ़ना है बाबू? ए बिट्टू ऑन करो, लिख लेना वीडियो देख के बिट्टू, आप समझो बाबू। नेक्स्ट ए बाबू दाम ऑन करो ना जी, हम लोग को हम पढ़ना क्या नहीं बाबू? करेंगे, आप ऐसे भी बोलिएगा दिवाली देख रही है, हम नहीं करेंगे, हम जाइए। ऑन करो नहीं तो रिमूव करना। देखो अभी तक हमने एक क्या पढ़ा बाबू, मोशन पढ़ा। तो मोशन में क्या पढ़े सर? वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, ग्राफ के बारे में, ये सब पढ़े ना। तो उसी एक्सीलरेशन को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, जो एक्सीलरेशन पढ़े ना बाबू उसी एक्सीलरेशन को क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होता है सर? चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। बिटू ऑन करो। ठीक, तो अगला चैप्टर क्या बाबू? फोर्स एंड एक्सीलरेशन। अब बहुत सारे बुक में आप लोग को देले रहेगा, 9 वाले बुक में, 8 में देले रहता फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन, फोर्स ऑफ प्रेशर करके। तो 8 वाला बच्चा वाला रहता, 5-6 पेज रहता है ना, उस पे हम लोग ऐसे ही हो जाएगा। ये वाला पढ़ लेंगे तो 8 वाला ऐसे ही हो जाएगा, ऐसी चटनी देखते देखते खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बाबू? फोर्स ऑफ एक्सीलरेशन हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बुक में देता है फोर्स एंड लॉ ऑफ क्या मोशन देगा, है ना। तो हेडिंग कुछ हो दे, सारे में मतलब वही न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे ना। तो फोर्स होता क्या चीज है बाबू, है ना। तो फोर्स क्या होता है बाबू? आप लोग जो 8 क्लास में डिफाइन करता है फोर्स के लिए, तो जो पुश और पुल होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपके 8 क्लास में कैसे फोर्स को डिफाइन किया गया है, 8 वाला बता देते हैं। 8 में क्या डिफाइन किया गया बाबू? कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, तो ठेलने को हम लोग क्या कहेंगे? पुश कहेंगे। या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? पुल कहेंगे। तो पुश और जो पुल होता है ना, उसी को क्या बोला गया? फोर्स बोला गया। क्या गया बोला गया? फोर्स बोला गया। जैसे ये गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी, तो गाड़ी को चलाना है तो ठेलोगे, तो ठेल रहे हो, तो इंग्लिश में ठेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। और मान लो इसको खींचना है, तो खींचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुल कहते हैं ना। तो जो पुश और पुल है उसी को क्या कहा गया? फोर्स कहा गया। कहाँ में? 8 में, है ना। तो हम लोग हाई लेवल पर पढ़ेंगे, ये वाला नहीं पढ़ेंगे ना। ये होता है 8 की बात होता है ना। 9 में हम लोग को थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डिफिनेशन चाहिए, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स मेरा बाबू वह एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट मतलब क्या होता है ना? बाहर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से कहने का मतलब क्या होता है? इसको कैसे फील करोगे, है ना। बाहर से कहने का मतलब क्या होता है बोला मेरा, है ना। बाहर से कहने का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे इसको फील करने की बात है, तो इसको फील कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक बाल्टी लेना, मान एज्यूम करो कुछ एज्यूम बाबू, है ना बाबू। अभी हम लोग करोड़पति नहीं बने बने तो बढ़िया सेटअप करेंगे तो वो भी एक, बाल्टी सबके पास रहता है। है ना, बाल्टी लेना मान लो, यही एज्यूम करो। पहले ही बोले बाबू एज्यूम करो, इसमें आप हेल जाओ, ठीक, बाल्टी में हेलोगे। अब फिर उसके बाद बाबू बाल्टी में हेल के आगे घिर सकने की कोशिश करो। अरे देखो शांति से समझो, इस पे अभी फोर्स लगाओगे तो ये आगे चल जाएगा, है ना। ठीक, आगे जा रहा है ना। तो इसको हम लोग फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं? बाहर से लगा रहे हैं। इस पे फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं? बाहर से लगा रहे हैं ना। तो ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया। अब मानो कि बाल्टी है, बाल्टी में जाके बैठ जाओ, ठीक है ना। अब बाल्टी में अंदर जाके ठेलो, बाल्टी में आप बैठे हो, अंदर जाके बैठ के ठेलो। देखो बाबू बाल्टी आपका मूव नहीं होगा, बाल्टी आपका मूव नहीं करके देखना, है ना। एक बाल्टी लेना, बाल्टी में हेल जाना, अब बैठना या खड़े रहना, अब बाल्टी को ढकेलना अंदर से, बैठे हुए अंदर, बाल्टी के अंदर में बैठ के अंदर से, ऐसे बैठ के अंदर से ढकेल, देखना बाल्टी क्या होगा? मूव नहीं होगा। बाल्टी आपका क्या होगा? मूव नहीं होगा, है ना। अगर उछाल के ढकेलोगे तो मूव हो जाएगा, लेकिन बाल्टी में बैठल रहोगे, है ना, तो मूव नहीं होगा। तो वहां पे जो फोर्स लगा रहे हो बाल्टी में, वो क्या हो गया? इंटरनल फोर्स हो गया। क्या हो गया? इंटरनल हो गया। इंटरनल एब में बाबू धाम ऑन करो ना, बोली ए शुभ से ऑन करो, ए बिट्टू ऑन करो, बाबू अंशु जी से ऑन करो। ठीक, बाल्टी एक लेना मेरे लाल, हम करके दिखवा देते, कोई दिक्कत बड़ा चीज नहीं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं। बाल्टी में हेलना, बैठ के आराम से बाल्टी को अंदर से दिखाइए ठेलना, ना सर, सर दिखाइए ना। बाद में कभी दिखाएंगे, है ना। तो बाल्टी मूव नहीं होगा, बाल्टी क्या होगा? मूव नहीं होगा, है ना। लेकिन वही बाल्टी को बाहर से ठेलोगे, है ना, बाल्टी से बाहर निकल जाना, उसके बाद बाल्टी को ढकेलना, एक लात मारना, बाल्टी क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। तो जो बाहर से फोर्स लगा रहे हो ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं ना, उसी को एक्सटर्नल एजेंट कहा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, है ना। जो बाहर से लगा रहे हो फोर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। एजेंट मतलब क्या होता है? जो लगा रहा है, जो लगा रहा है ना, तो वही होता है। फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट कॉज कैपेबल ऑफ बहुत चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब क्या होता है सर? फोर्स मेरा हुआ एक्सटर्नल एजेंट है बाबू, है ना, जो क्या कहता है स्टेट के, मैंने ये क्या कहता है, चेंज ऑफ स्टेट करता है। चेंज ऑफ स्टेट कहने का मतलब क्या होता है सर? नहीं समझ में। जैसे ये मान लो गाड़ी एट रेस्ट में, इस पे फोर्स लगाया, बाहर से हम लोग बाहर से लगा रहे हैं, गाड़ी में घुस कर लगाओगे फोर्स कभी, अरे आप फोर व्हीलर पे चढ़ना, ठीक, छोड़ो बाल्टी गया बाहर में, है ना, बाल्टी गया मेरे पास, आप फोर व्हीलर पर चढ़ना, और गाड़ी में अंदर से ठेलो,
गाड़ी में अंदर से चढ़ गया, फोर व्हीलर में गाड़ी को अंदर से ठेलो, देखो गाड़ी नहीं ठेलाएगा, गाड़ी नहीं ठेलाएगा, है ना, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, है ना, इंटरनल फोर्स हो गया। आप फोर व्हीलर पे चढ़ना, है ना बाबू, मेरे पास नहीं है, रियलिटी है, एंड आप लोग के पास है तो चढ़ना, आ गाड़ी को अंदर से ठेलना, सीट को चाहे शीशा वगैरह को विंडो वगैरह का ठेलना, देखना गाड़ी मूव नहीं होगा। अब उसी गाड़ी को आप बाहर से ठेलोगे ना तो कुछ ना कुछ मूव जरूर हो जाएगा, गियर अभी में नहीं रहेगा, मूव हो जाएगा। तो मान लो ये गाड़ी है, अपना गाड़ी में चढ़ना, दूसरे वाला में चढ़ना, मान लो गाड़ी में जाएगा, गाड़ी धकेल देंगे आगे जाके दीवार से ठुका जाएगा। अच्छा ठीक है, मान लो ये गाड़ी है तो इसमें फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें बाहर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है सर, मोशन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है ना, तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है ना। या वो मान लो ये पहले से मोशन कर रहा था, मान लो ये क्या पहले से मोशन कर रहा है, करो नहीं, मान लो पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा था, अब इधर से फोर्स लगा रहा है ना, इधर से फोर्स लगा रहा है ना, मान लो ये गाड़ी ऐसे चल रहा था तो आगे से फोर्स लगा, मतलब क्या हो गया, रुक गया, ठीक शांति समझना जी, अमृता बोली म्यूट कर बाबू, ये सब शैतान आकृति है, आकृति बाबू म्यूट कीजिए, शांति से पढ़िए आकृति, ये फ्रेश चैप्टर है आकृति, अब मन से पढ़ना है, मैं तो लेट से कह आती हूँ, आकृति बोली, आकृति सर वो नींद पर गई, उसको हम कॉल किए थे, उसकी मम्मी मार्केट गई हुई थी, टाइम पे आइए 6 बजे, मन लगेगा पढ़ने में, हम लोग बाबू घोड़ा घोड़ा गाड़ी करते हैं क्लास में, कुछ नहीं करते हैं, मान लो ये गाड़ी बाबू लीव कर गई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी, जाने दो। देखो मान लो ये गाड़ी तो इसको बाहर से ठेल रहे हो, तो बाहर से ठेल तो इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो एक तो ये सर है, ये इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ कंडीशन कहते हैं ना। दूसरा क्या था बाबू, ये गाड़ी मान लो बाबू चल रहा था, गाड़ी क्या हो रहा था, चल रहा था, गाड़ी चल रहा था, इधर से चल रहा था, बाहर से हम लोग क्या लगा दिया, आगे से फोर्स लगा दिया, तो इसका क्या हो गया, ये रेस्ट में हो गया। तो वही इंग्लिश में लिखा है, मतलब उसका हम लोग स्टेट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर रेस्ट में है तो ढकेल के मोशन में कर रहे हैं, अगर मोशन में था तो फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, रेस्ट में कर रहे हैं ना। तो यही इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट, है ना, कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट, है ना, कोई पार्टिकुलर बॉडी हो गया। आकृति बोली, ये फ्रेश चैप्टर है, पढ़ी होगा आकृति, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ी हो जी, बोलो ना बोली, अरे जिंदगी खाने पीने में तो गुजार रही बाबू, और सब लगता है तोता में ना पाले हुए, वो बोले के कोशिश कर रही है लेकिन आवाज उसका नहीं आ रहा, चलो छोड़ो ठीक। अरे सैताना कीर्ति, तोता का आवाज आता है, इसका आवाज नहीं आता, हद करती है बाबू, ये सब सैतान है ना, चलो कॉमेडियन है बाबू, बच्ची नहीं कॉमेडियन। तो फोर्स बाबू क्या, एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से एजेंट है, जो क्या कर सकता है, माने रुके हुए चीज में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, तो बच्ची क्या कर रही है, मोशन वाले चीज को क्या कर सकता है, रोक सकता है, रोक सकता है ना, रोक सकता है ना। तो यही है डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। दूसरा डेफिनेशन क्या बाबू, ये बाबू वर्मा जी का डेफिनेशन, वर्मा जी का क्या डेफिनेशन, कोई पैदा थोड़ी करता बाबू, है ना, फोर्स इज दैट कॉज व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन इन द बॉडी, है ना, व्हिच इट एक्ट्स, मतलब बाबू फोर्स मेरा वह कारक बाबू बाबू जो किसी बॉडी में क्या करता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सीलरेशन क्या होता है सर, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मान लो पहले ही पौधा क्या था, रुकल था, इसमें फोर्स लगा दिया तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना, वेलोसिटी क्या हो गया, बदला ना जी, पहले रेस्ट में था, अब फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी आ गया, तो एक्सीलरेशन हो गया। मतलब फोर्स क्या है बाबू, वह कारक है बाबू जो किसी बॉडी में क्या करे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, पहले क्या करे किसी बॉडी में क्या करे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, फोर्स कहते हैं ना। बाकी इसमें अभी हम लोग आओ पढ़ेंगे, फर्स्ट ला सेकंड ला पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ला सेकंड ला पढ़ेंगे ठीक। तो उसी को इंग्लिश में लिखा गया है ना, फोर्स इज दैट कॉज बाबू विच प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन, है ना बाबू, इन द बॉडी बाबू विच एक्ट, है ना, जिस बॉडी पे लग रहा है, अगर उस बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो जैसे कोई कहा बाबू, मान लो कोई बॉडी है, घर का बॉक्स है ना बाबू, इसको ठेल रहे हो, तो ठेल रहे हो तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, इसको ठेल रहे हो भोला तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। और जैसे मूवमेंट होगा तो पहले एट रेस्ट में था, अब इसमें मान लो कुछ वेलोसिटी आ जाए, तो जैसे वेलोसिटी आ गया तो है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना, तो मेरा क्या आ गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी। बचपन में क्या पढ़ाए थे, एक्सीलरेशन बताए थे, क्या बताए थे, एक्सीलरेशन बताए थे, तो इसमें क्या लग रहा, फोर्स लग रहा, फोर्स लग रहा ठीक। नेक्स्ट बाबू है ना, फोर्स कैसे, जैसे जैसे क्या क्या हो सकता है, किसी बॉडी को बाबू पकड़ के खींचो,
है ना, जैसे रबड़ को खींच रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है बाबू, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है ना, तो वहां भी हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्स लग रहा है ना। जैसे भोला मेरा क्या बाबू मेरे, है ना, जैसे ये रबड़ है, ये क्या है रबड़ है, इसको पकड़ के खींच रहा है ना, बड़ा हो गया ना जी, ठीक, तो इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तभी ना वो फोर्स लगा, तभी ना ये क्या हो रहा है, खींचा रहा है ना, तो स्ट्रेचिंग में आपको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। नेक्स्ट वो क्या करो, वेट लिफ्टिंग, कोई चीज उठा रहे हो है ना, इस तरह से उठा रहे हो ना, ईट वगैरह उठा रहे है ना, तो ये भी क्या बाबू फोर्स का ही है, एग्जाम्पल है क्या, फोर्स का एग्जाम्पल है ना। पुशिंग और पुलिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच रहे हो है ना बाबू, जैसे गेट खोलना और गेट क्लोज करना, वो मेरा क्या होता है, पुशिंग होता है, मान लो बाबू बाहर है तो बाहर से गेट कैसे खोलोगे, पुश करोगे, बाहर आप रूम के बाहर हो तो गेट कैसे खोलोगे, पुश करोगे, ठीक, रूम के बाहर हो गेट लगाना है तो क्या करोगे, गेट को क्या करोगे, पुल करोगे, तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, फोर्स का एग्जाम्पल है ना, फोर्स का है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना है ना, सबसे अराउंड करो, फोर्स बाबू क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अरे शैतान इसको समझो, है ना, आपको बाबू बचपन में पढ़ाया था बाबू, जिसमें बाबू वेक्टर क्वांटिटी बताया, जिसमें मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों होता है ना, डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो मान लो किसी चीज को, जैसे आम वगैरह, तो उसको पकड़ के तोड़ना है ना, जैसे आम हो गया तो उसको पकड़ के तोड़ोगी तो उसमें क्या करोगी, फोर्स लगाओगी तभी ना टूटेगा जी, ठीक है ना। जैसे ये मैंगो है भोले, देखो आपके लिए आम लेके आए, देखो आम है, क्या है, आम है ना जी, है ना भोला, नकली का होता है जी, जिंदगी में नकली क्या होता है, आम है, असली है, नकली है जी, हद करता है जी, मैंगो नहीं लग रहा है जी, नकली है सर, नकली है। शिवानी ऑन करो भोले, अब बाबू इस पे मान लो फोर्स लगाना, नकली आम, अरे असली आम है, प्लग इसको मान लो प्लग करना, इसको खा के दिखाइए, अच्छा ठीक है, इसको प्लग करना है, तो प्लग करना, तो इसको पकड़ के खींचोगे, प्लग के खींचोगे है ना बाबू, तो खींचोगे मतलब क्या लग रहा है सर, इसमें खींच रहे तो कुछ ना कुछ बाबू, ये खींच के तोड़िए, हाँ ठीक, अब इसको पकड़ के प्लग, इसको प्लग करना, आम को क्या करना, प्लग करना, तो इसको पकड़ के खींचोगे, खींचोगे, अरे शैतान नहीं खींचाएगा जे, खींचोगे बाबू मजबूत वाला, अरे पकड़ के खींच रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, इस पे क्या लगा रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल बल लगा रहे हो, ठीक, तो फोर्स में मेरा क्या होता है बाबू, मैग्नीट्यूड होता, जितना आप बल लगा रहे हो, आम का सीजन नहीं सर, क्या बोला बाबू जी, एस शिवानी ऑन करो बोलिए, ये बाबू धमा ऑन करो बाबू, अमृता बोलिए ऑन कीजिए, इस सबसे तन वीडियो में, तो बाबू मान लो आपको आम तोड़ना है, तो आम तोड़ना है बाबू, तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ना ये पलक होगा बाबू, तो मतलब बाबू आपको बल लगाना पड़े, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, 5 न्यूटन 10 न्यूटन है ना, तो वही है, फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब फोर्स के पास क्या होता है, कुछ वैल्यू होता है ना, वैल्यू होता है ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, आम की जगह पूरा पेड़ गिर गया होता तो, अब शांत रहो ठीक है ना, मतलब फोर्स में बाबू आपको आम को प्लग करना है बाबू, यहाँ से इसको तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब अपना आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो फोर्स के पास क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है, और इसके पास कैसे करके प्लग कर, इसको प्लग करने का बाबू, अब हो सकता है कभी ऐसे तिरछा करके प्लग करोगे, तो ऐसे प्लग कर, मतलब इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हो बाबू, शांति से मानना, आप बाबू इसको ऐसे करके प्लग कर रहे हो है ना, अपनी ओर ऐसा करके प्लग कर रहे हो, तो फोर्स को कैसे इधर पकड़ कर खींच रहे हो, तो इधर खींच रहे हो तो फोर्स इधर लग रहा, कोई पकड़ के नीचे खींचेगा तो फोर्स कहाँ लग रहा, नीचे लग रहा, कोई पकड़ के उधर खींचेगा तो फोर्स कहाँ लग रहा, उधर लग रहा, मतलब फोर्स के पास क्या बाबू, डायरेक्शन है, आप जिधर पकड़ के खींचोगे उधर क्या लगेगा, उधर क्या लग, उधर से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, आप इधर पकड़ के खींचोगे तो फोर्स क्या लगेगा, ऐसे पकड़ के खींच रहे हो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना जी, तो फोर्स के पास बाबू क्या है, डायरेक्शन है, फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन है, तो फोर्स के पास वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जिस क्वांटिटी के पास दोनों चीज होता है, वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वैसे को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अरे शैतान गाँव बगीचा में जाओगी, अभी आम का दिन नहीं ले, गर्मी का छुट्टी मिला है, जाना आम तोड़ना, तो आम तोड़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब क्या लगाना पड़ेगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, अब कैसे कर, नीचे पकड़ के खींचो चाहे ऐसे खींचो, इधर खींचोगे तो इधर खींचाएगा, ऐसे तिरछा करके खींचोगे तो तिरछा करके खींचाएगा, जैसे खींचो, तो इसमें क्या बाबू, डायरेक्शन है, इसमें क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है ना,
तो जिस बाबू जिस क्वांटिटी में बाबू मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना, मतलब फोर्स क्या बाबू वेक्टर क्वांटिटी। ए बाबू सही कौन है जी? ए शुभ शैतान, ए शिवानी भोली काहे से हो गया बाबू? फोन आ गया शिवानी, इसका मम्मी जी का फोन आ गया। मतलब फोर्स में क्या बाबू मैग्नीट्यूड भी है और क्या है डायरेक्शन भी है। तो जिस क्वांटिटी में दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सूर्य में बताएं, मोशन वाला में बताएं, ठीक। अब बाबू ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं सर, तो कितना लगा रहे हैं? जैसे हम भारी हैं, तो मान लो मेरा वजन 30 किलो है ना, हमारा कोई पकड़ को उठाएगा तो हम भारीपन फील होंगे कि नहीं? हैवीनेस होगा ना बाबू, ठीक ना? नहीं विश्वास होता तो सब अपना मम्मी को उठाइएगा, देखिएगा कितना भारी है ना। किसी का मम्मी 100 kg, किसी का 125 kg है ना बाबू, किसी का 200 kg कि नहीं भोले, कि नहीं बाबू शिवानी? ज्यादा नहीं हो रहा सर, है ना? आप लोग का कल से क्लास बंद, मम्मी जी सुनेगी ना तो कल से क्लास बंद, ठीक। हाँ, किसी का मम्मी बाबू अभी 25 kg, किसी का मम्मी 30 kg है ना, अब 10-15 बच्चा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना बाबू? ठीक, तो बाबू किसी चीज को बाबू नहीं है सर कम 10 kg में, अरे 25 kg 30 kg सलीम बड़ी 0 0 25 8-9 साल का बच्चा रहता है। यस, जीरो फिगर बाबू, जीरो फिगर, ठीक है ना? आप लोग मम्मी कहना मम्मी आप जी बहुत स्मार्ट हो, जीरो फिगर है ना, देखना 2-4 बच्चा मेरे यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट भोला है ना बाबू, तो फोर्स के बाबू क्या होगा? फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, किसी चीज को पकड़ के उठा दे तो आपको भारी पर फील होता ना, तो उसी तरह से फोर्स का क्या होगा वैल्यू होगा। तो उसको हम लोग नापेंगे कैसे बाबू? उसको हम लोग नापेंगे तोलेंगे कैसे? अब बाबू गौरव का फोन कर ले जी, ठीक है। हाँ बाबू, अरे सैतान तो मोबाइल के नीचे कपड़ा भींगा के रखो, कवर हटा के कपड़ा भींगा उसको, ठंडा करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग नापेंगे ना सर, तो कैसे नापेंगे? तो फोर्स को हम लोग नापते हैं न्यूटन में, है ना? जैसे इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो कितना फोर्स से खींच रहे हैं सर, कैसे पता चलेगा? है ना, कैसे खींच रहे पकड़, है ना? तो कितना फोर्स से खींच रहे हैं सर, तो कैसे पता चलेगा? तो कैसे नापेंगे? कैसे नापेंगे? न्यूटन में नापेंगे ना। तो ये सब क्या बाबू? फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आगे बाबू हमको क्या पढ़ना बाबू, किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो तो अब उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, है ना? इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी चीज को फोर्स लगा, जैसे आपको एक चट मारा जाए तो क्या इफेक्ट होगा, है ना? लगता है छड़ी तो क्या इफेक्ट होता है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो फोर्स ऑफ इफेक्ट है, है ना? तो फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या होता है बाबू? फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है बोलो तो, शांत भोला कॉमन सेंस लगा बाबू, फोर्स लगाने से आपको क्या क्या इफेक्ट दिख सकता है बाबू? नहीं आप काला बोलोगी, आप तो लिखती उखती हो नहीं कुछ। नेक्स्ट बाबू, इफेक्ट ऑफ फोर्स बाबू, ये सब बोलो ईशांत बोला, फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बाबू? किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो क्या हो सकता है? बोलो ईशांत बोला, बता ही देते हैं सर। देखो पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखा देंगे, है ना सर? पहले वो सर वो बॉडी का डायमेंशन चेंज कर सकता है, दूसरा शेप और साइज चेंज कर सकता है। देखो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है बाबू, है ना? बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं बाबू, है ना? लेकिन हम लोग 2-3 लिखेंगे जिसमें सब आ जाएगा, बच्चा तो अब रहे नहीं बाबू, है ना? जैसे बाबू मान लो फोर्स है, तो फोर्स का इफेक्ट, शुभ शैतान ऑन करो ना जी, अमृता बोले बिट्टू बाबू का बंद कर लिया जी, शुभ शैतान ऑन करो जी। फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है बाबू? तो कोई मान लो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको आप रोक सकते हो, शांति से समझो। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट में बाबू, जैसे एट रेस्ट में है ना, तो फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? इसमें मोशन दे सकते हो, है ना? एट रेस्ट में स्प्रेडर ठेल दिया, मोशन आ गया, तो फोर्स क्या कर सकते हैं? रेस्ट कोई बॉडी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मोशन दे सकते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा था, क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, तो फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं। मान लो ये मान लो बाबू ये मोशन कर रहा था, बोला जैसे मान लो ये मोशन कर रहा है ना, मोशन करता, फोर्स लगा के इसको क्या किए? रोक दिए। जैसे ही मोशन कर रहा ना जी, तो फोर्स लगा के हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। नेक्स्ट बाबू, फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन मान लो बाबू ये इधर मोशन कर रहा है ना, इसको एक चाट इधर मार दिया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना। मतलब फोर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सर? रुके बॉडी को चला सकते हैं, चले हुए बॉडी को रोक सकते हैं,
या बहू किसी ऑब्जेक्ट का क्या, अभी इधर डायरेक्शन है, फोर्स लगा उधर चल गया है ना, उधर चल गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नेक्स्ट बाबू, फोर्स से और क्या इफेक्ट हो सकता है बाबू? ऐसे बाबू काहे पढ़ती हो बाबा धाम, कभी बंद कभी चालू, कहा बाबू कोई आ गया जिंदगी में का बाबा धाम? आई बोले भाई कोई आ गया बाबू का, व्हाट्सएप पर चैट चलते रहता है। हाँ सर, तोता आया छत पे, इतना कूटिंग। नेक्स्ट ऑफ फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये बैलून है इसको फुलाओ, है ना, गाड़ी का ठीक। अब इस पे फोर्स लगाओ तो अब ये क्या है, बड़ा फुलाइए सर, बड़ा फुलाइए। हाँ ज्यादा समझो, चुपचाप कंसेप्ट सीखो, बड़ा छोटा सा क्या मतलब। तो इस पे फोर्स लगाओगे बाबू तो ये क्या हो गया, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले देखो ये ऐसा स्फेरिकल टाइप का शेप है ना, पहले गोल गाल है ठीक। अब इस पे फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, इसका शेप चेंज कर सकते हैं ना, शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्या फोर्स का क्या इफेक्ट है, ये सब क्या है फोर्स का क्या बाबू, इफेक्ट है, इफेक्ट है ना, इफेक्ट है ये सब फोर्स का, है ना। तो ये सब तीन चार को इफेक्ट याद रखना आपको। ए बाबू संतनी, समझ में आता है जी? संतनी बोली, बोलो ना संतनी, आवाज नहीं आता है जी। ये सब बाबू खाली दंद, खाली शरीर से सब भारी होते जा रही है, आवाज निकलवे नहीं करता है ठीक। हाँ बोली। नेक्स्ट बाबू, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ना, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ सर, बस यही तीन चार केस है सर इफेक्ट का, फोर्स का। और एक आधो आप दो, एक आधो का सारे में बाबू यही आ जाए, बाकी कुछ करोगे। मान लो बाबू अपना फ्रेंड हो गया, छत पे लेके गया है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे टेरिस पे खड़ा किया, इधर तुम है, इधर से क्या इधर लतिया दो इसको, लतिया इफेक्ट का भी नाम रहता है, फोर्स ऑफ इफेक्ट का भी नाम रहता है, नाम नहीं रहता बोले, इसको लतिया दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा। तो ये भी क्या फोर्स का इफेक्ट है बाबू, केस कर देगी इसके मम्मी पापा, हम पे केस कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ट्राई करेंगे आज। अच्छा ठीक है, ठीक, बाल्टी वाला तरह हाँ कार वाला तरह ट्राई करना, आप लोग बड़े लोग हो ना, जो गरीब आदमी है वो बाल्टी में ट्राई करना, और जो बड़ा लोग है वो कार में ट्राई करेगा, फोर व्हीलर में नहीं सर, छत वाला ट्राई करेंगे सर। जो मीडियम होगा तो बाल्टा में ट्राई, ड्रम वाला में तो ट्राई करना। अब फोर्स बाबू और अ सेट ऑफ फोर्स सर, कोई बहुत ताकत हो तो ट्रेन से पे ट्राई करेगा। अच्छा ठीक है, पहले अभी इसको लिखो, लिखो जल्दी से, बहस मत करो। अब फोर्स बाबू, अ सेट ऑफ फोर्स बाबू कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, सेट ऑफ फोर्स मतलब बाबू आप भी ठेल रहे हो, कोई चर्चा किया है आपसे नहीं ठेलाया तो इधर आप ठेल रहे हो, है ना बाबू, बहुत सारे फोर्स लग रहा है, आप ठेल रहे हो इधर, पीछे से आपके पापा जी ठेल रहे हैं, पीछे से मम्मी जी ठेल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ फोर्स कहेंगे, है ना। सारा का खानदान बाबू है ना रास्ता में जा रहा है, ये हो गया पेम्पचर, तब जाएगा कैसे, तो ठेल के लेके जाओ, है ना, तो आप नो ठेलाओ, पापो जी को ठेलने कहो, और क्या करो, मम्मी जी भी जाके पीछे ठेलेगी, चाचा चाची है तो वो सब आके ठेलेगी, क्या करेगी, है ना। तो ये क्या हो गया कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ऑफ फोर्स कहेंगे, है ना, एक आदमी के द्वारा, दो आदमी के द्वारा, तीन आदमी के द्वारा, चार, ये क्या हो गया, सेट ऑफ फोर्स हो गया, क्या हो गया, सेट ऑफ मतलब बहुत सारे फोर्स लगे, है ना, ले राइट से, लेफ्ट से, नाक से, मुंह से, सब लगा दो, है ना। कोई देखता है ना किसी चीज को ठेलना तो हाथ से नहीं ठेलाता, तो मथवो लगाता है ऐसे करके, माथा भी लगा देता, और नहीं होता तो फिर नाक भी लगा देता, नहीं तो फिर पैरो लगा देता, मतलब पूरा शरीर लगा देता, तो उसके इसमें क्या कहेंगे, उसको सेट ऑफ फोर्स कहोगे, है ना, उसको क्या कहोगे, सेट ऑफ फोर्स। पढ़ाई लिखाई कुछ है जी, खाली इसे धोखा किया गया, रियल लाइफ है वही चीज, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वही लिखा है, सेट ऑफ फोर्स, है ना, एक हाथ से ठेला, दो हाथ से ठेला, नहीं हुआ तो फिर माथा भी लगा दिया, मन हुआ तो फिर पैर भी लगा दो, मन हुआ तो दोनों पैर भी लगा दो, है ना, ठीक है ना बाबू। तो उसी को क्या कहोगे, सेट ऑफ फोर्स होगा। वो अपना सोचो अपना, हाँ बाबू, तो एक पैर लगाना,
a set of force babu can change the babu and change can change the speed of body. हम लोग उतना नहीं लिखेंगे. चेंजेस द स्पीड ऑफ बॉडी मतलब क्या बाबू, सब आ गया इसमें. बचपन की तरह नहीं, क्या रुके हुए बॉडी को क्या कर सकता, मोशन कर सकता, मोशन चलते हुए बॉडी को रोक सकता. चेंजेस ऑफ बॉडी कहने का मतलब सब आ गया. मतलब चलल बॉडी होगा तो क्या होगा, रुक जाएगा, और रुकल बॉडी होगा तो फोर्स लगाओगे क्या होगा, चल जाएगा. तो इसमें दो केस बनेगा, लेकिन हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस पढ़ो, इसमें एक ही है ना. चेंजेस ऑफ बॉडी कहने का मतलब क्या हो गया, रुकल बॉडी चलेगा, चले बॉडी क्या होगा, रुकेगा, रुकेगा. ठीक. दूसरा क्या हो सकता है, अब फोर्स बाबू इससे ज्यादा होगा तो बोलना. अब फोर्स बाबू आर सेट ऑफ फोर्स बाबू, अब फोर्स बाबू आर या बाबू सेट ऑफ फोर्स और ए सेट ऑफ फोर्स सर, और ए सेट ऑफ फोर्स और ए. अच्छा भला, अब फोर्स आर ये बाबू सेट ऑफ फोर्स बाबू कैन चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंजेज the direction of body, can changes the sir changes nahi hoga, change hoga direction of the body can changes likho na ji shaitan likhna ukhna to hai nahi babu abhi iska sir hum kitna badhiya to kaam kar rahe sir, aapko humko bhi salary dena chahiye. Next babu, दूसरा क्या हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है ना. उसका क्या हो सकता है शेप, आप लोग आटा गूंथते हो ना जी, तो आटा जो गूंथते बाबू देखते हो उसका शेप कैसे चेंज होता है. आप लोग तो खैर बाबू नहीं है, गूंथते होगे बड़ा लोग. रबर बैंड. हाँ भोला. हाँ सर, गूंथते नहीं है लेकिन उसको लेके खेल के पूरा घर जरूर गंदा करता है. सेट ऑफ फोर्स, अब फोर्स है बाबू, अब फोर्स और अ सेट ऑफ फोर्स can change the shape of body, can change the shape of body. उसका क्या हो सकता है, shape change कर सकता है, shape of body. shape and size कर देते बाबू है ना, गोल से मटोल, shape and size कर सकते बाबू. सर तो दही को मीठा खाता है इतना बाबू, बार बार वीडियो बंद होने के पीछे कारण क्या है. रिजल्टेंट फोर्स बाबू, सब हम बंदे रखेंगे चाहिए. मम्मी का फोन कर देंगे और क्या. हाँ, कर दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स कर दीजिए, मेरा पूरा टॉप पैरेंटल कंट्रोल अब कर दीजिए मम्मी चाहिए. इफ ए सिंगल फोर्स बाबू, लिखो इसको समझाते हैं. ए शांत बोला सर, लॉज ऑफ मोशन कब बताएं. अरे बताएंगे नहीं जी, पहले इसको बकाने वाला बीमारी ना नहीं जाएगा. मेरा आम सब पक गया बाबू. ए शांत बोला. हाँ सर, नकली आम पकता भी है, पहला बार सुनता है. शांत कहाँ भाग गया जी, का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा भोला. यस सर, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी. अरे हाँ सर, आम से सही याद दिलाए मम्मा. बाबू म्यूट या रिमूव कर देंगे बाबा धाम. सिंगल फोर्स बाबू एक्टिंग ऑन ए बॉडी, लिखो लिखो. आप ही खुद क्लास में खाने का चीज का याद दिलाए वापस से, तो हम क्या करें. हमको याद आ गया कि फ्रीज में रिमूव कर देते, रिमूव कर देते, जाके खाओ अपना. सिंगल फोर्स बाबू एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाबू प्रोड्यूस्ड द सेम एक्सीलरेशन आज प्रोड्यूस्ड बाई. लिखो समझाते हैं.
शिवानी आप ही के साथ आकृति पढ़ती बाबू? यस सर। कैसा पढ़े बाबू, शर्मा जैसा? नहीं सर, उसे ठीक है। उसे ठीक है। सर लेकिन उसको सिर्फ इंग्लिश का क्लास करना है। ठीक है बाबू, वही करेगी, क्या दिक्कत। सर इतना लंबा डेफिन। अरे ऐसे बाबू, खाली कॉपी भरने के लिए समझा देते, एक लाइन में खाली कॉपी भरने के लिए है बाबू, और कुछ नहीं है, धोखा किया गया। ड्यूस दो सेम लिखे हैं कि सम एक्सेलरेशन? सेम 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 लिख लिए। इट्स कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल फोर्स। लिखो, समझाते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स और अनबैलेंस फोर्स दो टर्म आपको सीखना है। सर आपका लाइनिंग फिर से आने लगा सर, पूरा फुल ब्राइटनेस है फिर भी आवा आने लगा फिर से। अरे बाबू लाइनिंग आता भोला, क्या किया जाए बताओ, मोबाइल में ये फॉल्ट है। अभी भी आ रहा है सर फुल ब्राइटनेस पे। आ चलो लाइट कम करेंगे, नहीं आएगा। हाँ अभी ठीक हो गया सर। डायगोनल का हाफ अंधेरा दिखता है सर बोर्ड में। हाँ वो रूम है ना बाबू, ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे इशू राइज होते हैं। एगो बल्ब जलाएंगे तो ये होगा, दूसरा बल्ब जलाएंगे तो ये होगा, तीसरा जलाएंगे तो ये होगा। जो सेटअप किया जाता है बाबू, सारे बल्ब ऑन करके 4-5 घंटा ये करके, कभी कभी मोबाइल अपडेट होता है तो उसमें कुछ एरर वगैरह आ जाता है, इसीलिए लाइनिंग आता। ये डायगोनल के हाफ है बाबू, क्योंकि लाइट हाफ आता है इसीलिए डायगोनल के हाफ पे साइडो है। डायगोनल के हाफ पे साइडो है, डायगोनल के हाफ पे साइडो नहीं है। लिखो जल्दी से, ये हो जाएगा, टाइम उम बचेगा कभी तो कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। लाइट का है और कोई बड़ी बात नहीं। 3 बच्चा आज गायब है बाबू, 1 सालनी सालनी बाबू कहाँ गया बाबू, आर्यन गांव आई भले भला? Yes, एगो सालनी एगो शादी में गेल है अंकित मंगला स्थान। जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं। एरा उसने कैमरा डाउन करो बाबू। ए शांत भोला, शांत बाबू एकदम साइलेंट मोड में पहुंचा लेंगे। इसका तो माइक नहीं कनेक्टेड है शांत का जी, ये क्लास कर रहा है। डाटे खत्म हो गया? यस सर। अच्छा उसके पापा जी से बातें नहीं होता है। जल्दी लिखो बाबू, हमको इसमें 2 टर्म सीखना है, एक रिजल्टेंट फोर्स सीखना है और एक अनबैलेंस और बैलेंस पर सीखना है। 3 को सीख गया तो उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो गया, मतलब समझो रही है, 3 चीज सीखना, बैलेंस पर, अनबैलेंस पर, रिजल्ट। ये सब अभी जो है वो आकृति वो पाली है, तोता पाली है, अमृता है, कुत्ता बिलाय पाल ले, ये सब शैतान सब जानवर पाल ले रहती है अपने खाए ला। हमारा ये सब कह नहीं बाबू, सब कुत्ते बिलाय को खाते खिलाते है, धन है बाबू। अमृता खिलाते रहो बाबू। इफेक्ट ऑफ फोर्स बता दी बाबू, इफेक्ट ऑफ फोर्स से क्या हो सकता है, किसी बॉडी का बाबू है ना, ये उसका क्या हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकता है, मतलब चल रहा है तो रुक जाएगा, रुक रहा है तो चल जाएगा, है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है और उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है ना बाबू, है ना, किसी का है ना बाबू, जाके बाबू है ना किसी को छत पर से ठेल दो, देखो उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसा हाथ हूँ सब लूल उल हो जाएगा ऐसे, है ना, नीचे ऐसे रहेगा, है ना, तो उसका सेप साइज क्या होगा, सब चेंज होगा। आगे समझना, रिजल्टेंट फोर्स समझना, इसको थोड़ा सा समझा जाए, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है ये समझने वाला चीज है और सबसे आसान वाला है, समझना भी है, सबसे आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं जिंदगी में।
समझना अभी। देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, टोटल मतलब क्या होता है सर, जैसे कोई गाड़ी है, जिंदगी तो यही पे चल रहा, समझना इसको, है ना बाबू? ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल बाबू, मान लो बाबू कोई गाड़ी है, ठीक, अब इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहा, इस पे क्या लग रहा, आप भी ढकेल रहे हो, चाचा जी भी ढकेल रहे हैं, मौसा जी भी ढकेल रहे हैं, सब मिलकर ढकेल रहे हैं, है ना? ठीक, तो मान लो बाबू फोर्स F1 लग गया, बहुत सारे फोर्स लग रहा, F2 फोर्स लग गया, है ना? समझना शांति से, पहले समझना उसके बाद लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट आफ्टर देन यू हैव टू राइट डाउन बाबू, है ना? बहुत सारे फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा, मान लो दो तीन फोर्स लग रहा, F3 फोर्स लग रहा, मतलब कोई गाड़ी है भोला मेरा, रिजल्टेंट फोर्स आपको मतलब बता रहा है, ना है ना, जा रहे पंचर हो गया, तो अपने भी निकल कर ढकेलोगे, मम्मी जी भी आ जाए, पापा जी भी सब आएंगे ढकेलने के लिए, तो गाड़ी जाएगा कैसे, का शुरुआत जिंदगी का जी रहे बोली। ठीक, तो गाड़ी मूव हुआ बाबू, है ना? अब क्या करोगे बाबू, है ना? इतना सारा जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के बदले बाबू एक अकेले बाबू एक सिंगल फोर्स लगाओ, समझो शांति से। ठीक, इस फोर्स के बदले बाबू एक सिंगल फोर्स लगा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? यहाँ पे मान लो बाबू आप ढकेल रहे हो, है ना, आपके पापा जी मम्मी सब ढकेल रहे हैं। ठीक, अब इतना फोर्स के बदले बाबू मान लो एक खाली आ जाए, जितना आप तीनों मिलकर ढकेल रहे थे, है ना, जितना आप तीनों मिलकर ढकेल रहे थे, अब मान लो खाली आ जाए, है ना, तो जितना आप तीनों खेल रहे थे खाली, उतना ही फोर्स से क्या करे, तीनों के बदले अकेले फोर्स लगा देगा, है ना? खाली कौन है? खाली है बाबू, ग्रेट खाली सर, ग्रेट खाली है। ठीक, तो जितना आप तीनों मिला के बाबू इसको ढकेल रहे थे, उतना जितना फोर्स ये तीनों मिल के लगा रहे थे, उतना अकेले अगर ये फोर्स लगा देता खाली, तो ये जो अकेले लगा रहा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। मतलब रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट फोर्स जब भी निकालोगे, तो ये जो तीनों लगा रहा था, ये तीनों फोर्स का क्या होगा, सम होगा, है ना? आप ढकेले, मम्मी जी ढकेले, पापा जी ढकेले गाड़ी को, है ना, गाड़ी में कुछ मोशन आ गया, तो ये तीनों फोर्स के बदले बाबू कोई ना कोई ऐसा पृथ्वी पे आदमी होगा ना, वो जितना तीनों मिल के आप ढकेल रहे थे, है ना, उतना ही ढकेल दे, है ना, उतना ही शक्ति से कोई ऐसा आदमी आ जाए बाबू, है ना, जितना आप तीनों मिल के ढक रहे उतना ही फोर्स है बाबू, अगर ये ढकेल दे, तो हम लोग कहेंगे जो ये इंडिविजुअल फोर्स है क्या है, रिजल्टेंट है, किसका, ये तीनों के सम का, है ना, ये तीनों के क्या है, सम का, है ना, सम का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है ना, मान लो ये ट्रक है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, एगो पे मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग गया, एगो पे फिर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, है ना? ठीक, समझना है शांति से, ये हो गया, तो 10 15 25 न्यूटन का फोर्स लगा, तो अगर बाबू 25 न्यूटन पे इस पे फोर्स लगा रहा, अब तीन फोर्स, अब बाबू कोई ऐसा आदमी है बाबू जो अकेले इस पे कितना लगा दे, 25 न्यूटन का फोर्स लगा दे, पहले तीन को चार को छोटे छोटे चिल्लर पार्टी मिलके इस पे फोर्स लगा रहा था, अब ये सारे के बदले बाबू एक ऐसा आदमी बाबू जितना ये तीनों मिलकर फोर्स लगा था, उतना ही फोर्स बाबू, उतना ही फोर्स अगर कोई सिंगल आदमी अप्लाई कर रहा, तो हम लोग कहेंगे जो ये सिंगल फोर्स है ये क्या है, रिजल्टेंट है, किसका, दिए गए फोर्स का, दिए गए सर, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स में एनर्जी भी ज्यादा लगेगा ना? नहीं बाबू, एनर्जी बाबू जितना इंडिविजुअल लगाएगा, है ना, तीनों का सम उतना ही लगाए, तो जहाँ जितना एनर्जी इसमें खत्म होगा, सम होगा ना, तो एनर्जी तो उसका ज्यादा ही रहेगा। नहीं भोली, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एनर्जी बराबर वर्कडन बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू, तो फोर्स सेम ही ना लगा रहा है, तीनों मिल के वो जितना फोर्स लगा रहा है, इतना ही फोर्स क्या कर ले कोई सिंगल आदमी अगर लगा रहा है ना, तो जितना ये तीनों मिलकर एनर्जी लॉस करेगा, उतना ये एनर्जी लॉस करेगा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आगे सीखेंगे हम लोग, है ना? तो अभी रिजल्टेंट सीखो, रिजल्टेंट क्या होता है सर, है ना, रिजल्टेंट मेरा वह फोर्स होता है बाबू, है ना बाबू, जो दिए गए फोर्स का क्या होता है, सम होता है, एक सिंगल फोर्स होता है, रिजल्टेंट मेरा क्या होता है, जो सिंगल फोर्स होता है, जिसके वैल्यू क्या होता है, जो दिए गए बहुत सारे फोर्स है उसका क्या होता है, सम होता है ना, सम होता है, इसी को किस में लिखा दिया, इंग्लिश में लिखा दिया, है ना, वही है, इफ ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, है ना, कोई सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा किसी बॉडी पे, है ना, सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा, इज प्रोड्यूस्ड बाय बाबू सेम एक्सेलरेशन,
आज प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ फोर्स है ना, डेट सिंगल फोर्स सेम ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स बाबू है ना, कॉमा डेट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब बाबू कोई अकेले फोर्स बाबू है ना जितना लगा रहा उतना ही फोर्स बाबू तीन चार गो आदमी मिलकर अगर लगा रहा है ना, तो जो सिंगल फोर्स है वो मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा है ना। बहुत सारे फोर्स का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, यही होता और कुछ नहीं होता है ना, और कुछ नहीं होता। तो इसको बनाना रहेगा तो डायग्राम इसका कैसे बना दोगे, तो इसी तरह से बना दो और क्या करना है ना। मतलब भोला मतलब क्या बाबू मेरे, ये तीनों F1 F2 F3 लगाया। अब बाबू कोई आदमी है बाबू जितना फोर्स तीनों मिल कर लगा रहा था उतना मेरा क्या लग जाएगा, इधर से सिंगल फोर्स F लगेगा है ना। तो पहले जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A हुआ तो इसमें भी क्या होगा, उतना ही एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस होता तो जो F है ये मेरा क्या बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। F क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। यही मेरा क्या बनेगा, जो F है इसको क्या लिखोगे, F रिजल्टेंट फोर्स। ये जो सिंगल इंडिविजुअल लगेगा ये क्या होगा, F रिजल्टेंट सफिक्स में। मतलब बाबू क्या जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, बोला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा बाबू, तीनों फोर्स का सम होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। और चार को रहेगा तो चारों होगा, पांच को रहेगा तो पांचों होगा, छह को रहेगा तो छह होगा, तो डॉट 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 कर देते माने जितना 8-10 को रह गया, चिल्लर पार्टी रह गया, 10-15 को मारकर ठेलता नहीं जी। और उसका बदले बाबू आपके पापा जी आया कल ठेल दिए, तो आपका पापा जी का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स सारे चिल्लर पार्टी का क्या होगा, सम हो जाएगा ना बच्चा सबका बाबू है ना। तो यही मेरा क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। जो इंडिविजुअल फोर्स का क्या होता है, सम होता है। इंडिविजुअल फोर्स का क्या होता है, सम होता है, सम होता है ना, सम होता है। आगे चार को पांच को रहेगा उसी तरह करना। लिखो बाबू ये शैतान कौन कौन गया जी, चार पांच बच्चा है वो इंसान ईशान एगो शेष तालनी दो अंकित तीन गौरव चार श्रुति बोली श्रुति यस सर कहानी फेर और भेजती बाबू दावा चाहिए का संजना इंग्लिश समझ में अब आता है बाबू सर अभी एग्जाम चल रहा है शुरू से पढ़ा रहे थे बाबू आप फेयर करते चलना इंग्लिश का बाबू संजना सर हाँ बोली सर दो तीन लड़की बोली थी नई नई जो आई है ना अभी एडमिशन कर रहा है वो बोली थी मतलब क्लास ज्वाइन करने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे बोलो ज्वाइन करेगा नंबर हम बोलना कि सर बात कर लेंगे उसके पेरेंट्स देखो क्या होता है ना बाबू डायरेक्ट आएगी तो भाग जाएगी जैसे सब आपके तरह तेज नहीं ना बाबू आएगी गोबर गणेश रहेगी -2 +2 पहले तो पूछेंगे जानती है आधा तो वही रहता बाबू गोबर गणेश तो उसको बोलो कि सर बात कर लेना नंबर हम दे देना तो पेरेंट से बात करवा देना है ना पेरेंट से बात हो जाएगा ना तो ठीक रहेगा डायरेक्ट आती है ना तो नहीं टिक पाएगी अब यहाँ से आएगी तो उसको आधा घंटा पहले एक्स्ट्रा बता देंगे थोड़ा मोटिवेट करना होता है ना तो बोलना कि सर का नंबर दे देते सर अपना बात कर लेंगे आपसे कुछ का नंबर दे देना आप नाम बात करेंगे कैसे हाँ बाबू लिखो 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 सर टाइम हो गया डायरेक्ट जो जो आती है बाबू बिना बाबू उसको मोटिवेट के लिए कैसे होगा आती है टिकेगी नहीं ना उसको दिखाना पड़ेगा फेनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज क्लास में तो हम लोग दिखा नहीं सकते रनिंग क्लास में समस्या ये होता स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए सर ले लेंगे बोला आप लोग से थोड़ा सा ये कोऑपरेट करो ना बाबू कोऑपरेट करो ना स्मार्ट बोर्ड बिल्डिंग क्रेडिंग सब एक के बार खरीद लेंगे ठीक है ना थोड़ा सा कोऑपरेट करो पढ़ने में तेज हो लाओ 10-15 को घेच तीर के अभी देखो रेंट पे रह रहे सर अभी भी कर क्लास लेकिन उसको 10th का एग्जाम देना है इस बार इसलिए नहीं कर रही है हाँ तो 10th का एग्जाम देना तो दिक्कत क्या 10th वाला बच्चा चलिए रहा ना बाबू कई एक वजह से चलता ही है स्कूल में तो प्रैक्टिकल करवाया भी नहीं जाता हम तो सारा प्रैक्टिकल कर कर के दिखाते हैं सर 10th वो बिहार बोर्ड से देगी और फिर अगले साल देगी सीबीएसई से अरे तो 10th में बिहार बोर्ड से जैसे कोई बोर्ड से आराम से सीबीएसई वाला पढ़ेगी वहां जाके इंग्लिश में लिखेगी दिक्कत क्या हाँ बिहार बोर्ड में भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है सारा बच्चा करता है 9th में
जैसे बहुत सारा क्या करता है, नाइन्थ में ही पढ़ता है, टेंथ का एग्जाम दे देता है, बिहार बोर्ड से फॉर्म भर देता है, तो इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फायदा होता है बाबू कि बिहार बोर्ड वाले टीचर को समझ में नहीं आता, लिख में मार्क्स दे देता है, ठीक है ना, इसीलिए इसके लिए होता है। हाँ होता है, बहुत सारा बच्चा दिया, मान लो अभी आप नाइन में हो तो अपना इधर साइड से फॉर्म भर दो, कोई सरकारी स्कूल से पैसा उसा लेता, दो चार पाँच हजार रुपया लेगा, आप नाइन में गए और टेंथ का दे दो बिहार बोर्ड से, हो गया। बहुत सारा बच्चा करता है बाबू, नाइन्थ में देता टेंथ का, फिर टेंथ में जाता तो सीबीएसई का देता, या बहुत सारा ना टेंथ में भी बिहार बोर्ड से भी देता, सीबीएसई बोर्ड से भी देता, दोनों से देता, दोनों का सिलेबस सेम है भोला, खाली अंतर है यहाँ बडी रहेगा और वहाँ रहेगा कुछ और रहेगा, उसका इसका हिंदी रहेगा, हमको नहीं पता, एक्टिंग है, मतलब आरोपित रहेगा, आपको एक्टिंग रहेगा, है ना, यही सब अंदर फोर्स है तो बल रहेगा, उसमें बल रहेगा, यहाँ पे फोर्स और ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, बाकी सिलेबस सब सेम है। सर तो क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता होगा? हाँ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आप इंग्लिश में लिखो, सीधा सी बात है, ठीक है बाबू, देखना बात करना कि सर से बात कर लो अपना, देखो आ जाएगी तो ठीक है, मोटिवेट करना पड़ता बाबू, अभी सब आता है, ऐसे नहीं आते बच्चे सब रहना, ठीक है बाबू, बहुत सारा का नेटवर्क नहीं पकड़, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल और ज्यादा है आसान वाला, इससे भी आसान, हम लोग बैलेंस अनबैलेंस पर ये तीन गो टर्म सीख गई ना, तो उसके बाद ये वाला चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा, इसमें फिर कुछ है ही नहीं है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी आसान है सब, है ना, जैसे टाइम मोशन कैसे आसान था, रहने दो, तो बहुत सारा का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। सर आकृति ज्वाइन है उसमें, ये बोलिए आकृति, आकृति यस सर, अरे तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में क्लास करोगी तो कैसे होगा, बोलिए, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फोन में, वाईफाई नहीं लिए, बोलिए,